जो है ना निशान निशान है वहाँ पर इधर सो छपने वाला इधर है बहुत खुशी हो रही है और हार्ड वर्क करते हुए देखे हैं फैसल को। और ये फैसल का एक अलग रूप जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते थे वो तो फनी वीडियोस बनाते थे हम लोग और नॉर्मल ऐसे कॉमेडी कंटेंट, और उस सब चीज़ को लेके एक अलग रूप देखने को मिला है, एक्शन देखने को मिला है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फाइट सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद आया उसमें, पूरी सीरीज में बहुत खुशी हो रही। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मेरे भाई का वेब सीरीज आया है और बहुत अच्छा लगा देख के। एक नवी एक्टिंग मतलब दिख रही है उठ के, पहला है वैसे तो बहुत अच्छा किया, पहला जैसा भी किया है बहुत अच्छा किया। पहला लिए तो लोग डर जाते हैं कि स्टार्ट में कोई नया, अगर स्टार्ट में उसने इतना अच्छा कर दिया कि बैंग बैंग हो गया है। अब धीरे धीरे प्रोफेशनल एक्टर नहीं है पर फिर भी ही हैज डन वेरी नाइस वर्क, धीरे धीरे वो फॉर द बेस्ट सारे लोगों के लिए। बहुत अच्छी लगी, वही तो बोल रहे कि हम लोग उसकी कॉमेडी एक्टिंग देखे और नॉर्मल ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते थे हम लोग खुद से सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और एक सीरीज में मेन स्क्रीन पे इतने सारे लोगों के बीच में एक्ट करना और इतना अच्छा एक्शन और डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा था, बहुत वर्सेटाइल लगा, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा था तो देख के बहुत खुशी हुई। आप लोग की दुआ, आप लोग का प्यार रहेगा तो फिर बहुत सारी चीजें लाइन अप कुछ भी नहीं है अभी, इंशाल्लाह होएगा तो करेंगे इंशाल्लाह। अभी हाँ छोटे भाई का मेरे गाना आने वाला है, इसको रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और गाने का नाम अभी सोचे नहीं है तो बहुत जल्द हम लोग अपने सोशल मीडिया पे बताएंगे कि गाने का नाम क्या है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Look here, please.
बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सारा प्यार और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें बैंग बैंग पे मिला है एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा एक्शन किया है एंड काफ़ी सारे महीनों से हम शूटिंग कर रहे थे तो फाइनली जब हमारी मेहनत का फल इतना मीठा है तो इट फील्स रियली गुड. Well, I'm so happy that people are liking me and Faizu together. I think बहुत सारा प्यार है फैंस में, बहुत सारा एक्साइटमेंट है, उन्हें काफी पसंद आ रहा है एंड आई होप हम बहुत सारा काम फ्यूचर में भी साथ में करेंगे. आपके दोस्त भी यहां पर आए हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जिन्होंने ये फिल्म देखी, क्या रिस्पांस आया, क्या कुछ कमेंट आया उनकी तरफ से? सबको बहुत मजा आया स्पेशली क्योंकि मैंने काफी सारा एक्शन किया है तो मेरी मम्मी ने बहुत एंजॉय किया है देखने में एंड मेरे फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने, एडलीन जो कि मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है बहुत ही जल्दी और आवृति जो कि मैं सुपरा नेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग क्योंकि देयर सपोर्ट मींस द वर्ल्ड टू मी एंड आई एक्चुअली and we are who we are because of the Miss India organization and we support each other. Absolutely. You know, and I think thank you so much for coming here and I hope you're going to watch Bang Bang. Yeah, yeah, definitely, we wouldn't miss it. Perfect. Oh, it's bahut hi interesting tha because you don't get to see ki women bahut ye action roles karti hain and when Ruhi has a certain style about her that matlab wo aati hai screen pe and then you cannot style. Yeah, you cannot just take your eyes off that and I'm sure that everybody's going to watch that side of Ruhi and we get to see much more of that. Thank you. Kick-ass action, yeah? Thank you so much. Thank you guys. Thank you for coming. Thank I'm you. So happy to have you here. Guys, do watch Bang Bang. It's going to be amazing. Thank you. Ruhi, and what are your upcoming projects? बहुत कुछ बैंग बैंग होने वाला है आने वाले टाइम में क्योंकि फरवरी में मेरी दो और वेब सीरीज रिलीज हो रही है. एक है विद संजय मिश्रा जी जो कि बहुत ही क्लोज टू माई हार्ट है वो शो क्योंकि मेरे लिए बहुत अलग रोल था जहाँ पे आई प्ले समबडी फ्रॉम बिहार. सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, इट्स अ कॉमेडी एंड अनदर वन इज अ क्राइम थ्रिलर अगेन पर जहाँ पे मैं कॉप नहीं हूँ पर मैं विक्टिम हूँ और क्या क्या आपके साथ आजकल के ज़माने में हो सकता है, वॉट कैन गो रॉन्ग, उसमें प्रतीक बब्बर मेरे साथ नजर आएंगे. फिर मेरे दो गाने आ रहे हैं इसी महीने, जी हाँ दो म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं. एक है सताने लगे हो जो कि 10 फरवरी को रिलीज होगा वैलेंटाइंस डे के आसपास एंड उसमें है निंजा मेरे साथ जो कि बहुत ही बेहतरीन सिंगर है और दूसरा फैजू के साथ है, इजाजत गाने का नाम है, बहुत ही खूबसूरत गाना, वो 6 फेब को बाहर आ रहा है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस. साथ में आइए ना एक फाइट कर.
बहुत मजा आया, मैं ये कहूंगी कि फैजू के साथ काम करके आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। शूटिंग के दौरान हमने सीन्स जब भी किए, हम दोनों ने अपना क्रिएटिव इनपुट दिया एंड मतलब पता ही नहीं चला कि कब हो गई सीरीज खत्म, शूटिंग कब खत्म हो गई। एंड बहुत ही सपोर्टिव को एक्टर है, एक्शन हो या फिर एक्टिंग हो, डायलॉग डिलीवरी हो, हम दोनों एक दूसरे को ही हमेशा सपोर्ट कर रहे थे एंड आई थिंक इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो बहुत मजा आया, थैंक यू। रूही के साथ ये तो मेरा फर्स्ट डेब्यू था और रूही के साथ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हालांकि हमारी बहुत सारी मेमोरीज भी है शूट से, तो बहुत मजा आया रूही के साथ शूट करने में और रूही बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है। मस्ती तो बहुत सारी हुई है, जैसे कि हमने एक सीक्वेंस बताया था आपको कि हमको पता ही नहीं था कि कैमरा कट हो चुका है और हमारे बीच में एक फाउंटेन आ गया है और हम लोग सोच रहे थे कि अभी भी हम लोग रोल में। बहुत फनी, मतलब इतना मजेदार एक्सपीरियंस रहा है बैंग बैंग शूट करने में, इतनी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म था सेट पे और आई एम सो ग्लैड कि जब रिलीज हो गया तो हमें रिजल्ट भी कुछ वैसा ही आ रहा है। आने वाले दिनों में कोई, जैसे कि मैम ने बताया सॉन्ग आने वाला है, उसके बारे में कुछ आप बताइए कैसा रहा? सॉन्ग बहुत अच्छा था और सॉन्ग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, हालांकि रूही के साथ में तो मुझे हमेशा मजा आती है शूट करने में, पहले दिन से जो वाइब थी रूही में अभी भी वही वाइब है, इतनी मजा आती है साथ में शूट करने में और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोगों का एक सॉन्ग आने वाला है। नाम तुमने बताई दिया है मैंने, इजाजत। इजाजत देखा, रूही ने पहले बोली, पहले नहीं बोला। हाँ चलो, मैंने पहले बोला। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।